हेलो एवरीवन, सो गाइस आज मैं आपको अर्गेटिव वर्ब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब ये जो अर्गेटिव वर्ब्स होते हैं इम्पॉर्टेंट तो है, आप माने ना माने। होता क्या है, जैसे एक वर्ब है, मैं एक वर्ब आपको बताता हूँ, जैसे कि क्लोज है, ठीक है। अब अधिकतर लोगों को ये पता होता है कि अच्छा क्लोज का मतलब बंद करना, तो बंद करने का मतलब है कि कोई ना कोई डूअर चाहिए जो बंद करेगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे बेटे ने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो फिर कहीं ना कहीं मेरा बेटा दरवाजा बंद करने वाला व्यक्ति बन गया, वो डोर बन गया। मैं क्या बोलूँगा कि माई सन क्लोज्ड द डोर। लेकिन अगर मुझे ऐसा बोलना है कि यार दरवाजा बंद हो गया, अब क्या होगा भाई? दरवाजा बंद हो गया अब क्या होगा? अब यहाँ पे बंदे फंस जाते, लोग फंसते, उनको लगता है यार क्या बोले, दरवाजा बंद हो गया, खुद बंद हो गया, तो फिर गॉट के चक्कर में पड़ जाते हैं कि यू नो द डोर गॉट क्लोज, और इस तरीके से सोचने लगते हैं। हालांकि अर्गेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो दो काम करते हैं। यानी कि पहला अगर मैं बोलता हूँ क्लोज का, तो ये एक डूइंग वर्ब है। डूइंग वर्ब का मतलब है कि कोई डूअर होगा जो इसको करेगा। जैसे राम क्लोज्ड द डोर, सोहन क्लोज्ड द डोर, मोहन क्लोज्ड द डोर, इस तरीके से होगा। तो डूअर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये डूइंग वर्ब है। और यही वर्ब एक और काम करता है जिसका नाम है हैपनिंग वर्ब। अब हैपनिंग का मतलब है कि जब चीज़ें अपने आप होने लगे। अपने आप का मतलब है कि अगर मैं कहता हूँ कि द डोर क्लोज्ड, तो अब यहां पर दरवाजा खुद को ही बंद कर लिया। द डोर क्लोज्ड, यहां पर कोई डोर आपको दिखाई दे रहा है? कोई डोर नहीं। तो ये क्या हो गया? ये हैपनिंग हो गया। तो ये समझना बहुत जरूरी। एक पूरी लिस्ट आती है गाइस, अगर आपको अर्गेटिव वर्ब्स आ गए तो आपको फिर अच्छा मतलब कि बोलने में आसानी हो जाएगी। तो अब मैं बोलूँ कि यार दरवाजा बंद हो गया भाई, तो आप कैसे बोलेंगे कि द डोर क्लोज्ड, द डोर क्लोज्ड, है ना सर? उसी तरीके से अगर मैं एक वर्ड उठाता हूँ, क्रैक उठा लेता हूँ, क्रैक का मतलब चटक जाना, दरार। अब मैं कहता हूँ यार तूने यार प्लेट चटका दिया भाई, तो हम बोलेंगे ओह यू क्रैक्ड द प्लेट, यू क्रैक्ड द प्लेट। मैं बोलूँ कि यार प्लेट तो भैया चटक गया, प्लेट में दरार आ गई। अब डोर तो है ही नहीं, किसी ने किया नहीं, ये रहा प्लेट और प्लेट में दरार पड़ गई, अपने आप हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप उस गेट गॉट के चक्कर में फंसेंगे, बोलेंगे द प्लेट गॉट ये वो, आप सोचने लगेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे क्रैक वर्ब है, ये दो काम करेगा। एक ये डूइंग वर्ब है, डूइंग का मतलब है कि कोई डूअर चाहिए जो उसको क्रैक करेगा। और ये हैपनिंग भी है, हैपनिंग का मतलब है कि अपने आप हो जाता है। मैं बोलूँगा ओ नो द प्लेट क्रैक्ड, द प्लेट क्रैक्ड, समझ रहे हैं आप? अर्गेटिव वर्ब का कितना फ़ायदा है और उठा लेते हैं। क्या उठाया जाए, जैसे कि अगर एक शब्द उठा लेते, ब्रेक उठा लेते, तो जनरली लोगों को पता है ब्रेक का मतलब तोड़ना, यानी कि कोई डूअर चाहिए। अगर मैं कहता हूँ यार चिंटू ने ना मेरी कुर्सी तोड़ दी यार, तो हम कैसे बोलते कि चिंटू ब्रोक माई चेयर, चिंटू ब्रोक माई चेयर। अब यहाँ पर मेरी कुर्सी को तोड़ने वाला कौन है? चिंटू है, यानी कि डूअर है। तो ये वर्ब हमारा डूइंग वर्ब हो गया। डूइंग वर्ब का मतलब कि भैया डूअर चाहिए, कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो इसको कुछ करे, तोड़े। लेकिन अगर मैं बोलूँ यार कुर्सी टूट गई भाई, क्या कहीं पर चिंटू पिंटू कुछ दिख रहा है? जी नहीं, कुर्सी टूट गई। अब आप क्या करेंगे? और फिर आपको नहीं पता तो आप फिर गेट के चक्कर में पड़ते कि यू नो द चेयर गॉट ब्रोकन और ब्ला ब्ला, सोचने लगते हैं। जबकि ये जो ब्रेक वर्ब है, ये अर्गेटिव वर्ब है। अर्गेटिव का मतलब है कि ये दो काम करता है। अर्गेटिव का मतलब क्या होगा? वो दो काम करेगा। पहला काम क्या करेगा? वो डूइंग वर्ब होगा। डूइंग का मतलब है कि कोई हमें डूअर चाहिए जो उसको अंजाम देगा, जैसे कि चिंटू ब्रोक द चेयर, और कुर्सी अपने आप टूट गई। तो ये हैपनिंग भी होता है, खुद अपने आप हो जाए, कोई डूअर नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, ये अपने आप हो गया। तो कैसे होगा? चेयर ब्रोक, कुर्सी टूट गई भाई, द चेयर ब्रोक। अब जिसको नहीं पता वो क्या बोलेगा? द चेयर गॉट ब्रोकन, कुछ ना कुछ तो करेगा, नहीं तो पैसिव में बनाने की कोशिश करेगा, द चेयर वाज ब्रोकन, कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन मुझे तो ये दिखाना है कि भैया कोई डूअर नहीं है। अब पैसिव भी लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं डूअर तो है ना, आप बाई लगाकर दिखाओ ना दिखाओ, ठीक है? और नहीं तो फिर आप वो गॉट का सहारा लेते, यू नो इट गॉट ब्रोकन, भैया ये ब्रोकन अवस्था को प्राप्त हो गया। तो अर्गेटिव आप सीख लेंगे तो क्या कुछ आपको फायदा पहुंचेगा? फायदा ये पहुंचेगा कि आपकी समझ में आएगा कि अरे यार अब तक मैं बड़ी गलती कर रहा था, मैं गेट के चक्कर में भाग रहा था, मैं तो एक ही वर्ब को दो तरीके से बोल सकता हूँ, एक ही वर्ब दोनों काम कर रहा है, खुद हो गया तब भी यही वर्ब है, और किसी डूअर ने कर दिया तब भी यही वर्ब है कि नहीं फायदा?
तो मैं कुछ वर्ड्स लिखकर लाया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हालांकि लिस्ट आपने खुद गूगल से निकाल लेना यार, मैं वही 10-15 वर्ड्स लाया हूँ, कोशिश करते जैसे कि पहला क्लोज तो हो ही गया। दूसरा उठा लेते हैं बॉयल। बॉयल का मतलब क्या होता है? तो बॉयल दोनों काम करेगा। अगर आप उबाल रहे हैं तो आप बॉयल का इस्तेमाल करेंगे। आपने बोला कि यू नो आई एम बॉयलिंग द वाटर, यानी कि मैं वाटर को उबाल रहा हूँ, बॉयल कर रहा हूँ। और अगर आप कहते हो द वाटर बॉयल्ड, इसका मतलब कि वो जो पानी है वो खुद ब खुद उबल गया, बॉयल हो गया। इसमें किसी डूअर की कोई जरूरत नहीं। कहते हैं ना, अरे अरे पानी उबल गया भाई, पानी उबल गया। अब ये बोलने के लिए आप क्या बोलते हैं? फिर आप गेट के चक्कर में फंसते हैं, यू नो द वाटर गॉट बॉइल्ड, ऐसा करते हैं ना। करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको अर्गेटिव आता है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, यू नो द वाटर बॉइल्ड, पानी उबल गया, बॉयल हो गया। जो भी बॉयल होता होगा वो बॉयल हो गया। पोटैटो जैसे आलू उबल गया, बॉयल हो गया। जो भी बॉयल होने वाली चीज़ें खुद बॉयल हो गया। तो आप डूअर नहीं दिखा सकते, आपको बस इतना बोलना कि हाँ उबल तो गया भाई, इट बॉइल्ड, ऐसे बोल सकते हैं। एक और है जैसे कि ब्रेक तो हो ही गया, एक है ग्रो। अब ग्रो दोनों काम करता है। अगर आप डूअर दिखाना चाहते तो आपने ऐसे बोला कि नो आई वॉन्ट टू ग्रो सम प्लांट्स। अब यहाँ पर आप पौधों को उगाएंगे, यानी कि आप डूअर हो गए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यू नो द प्लांट्स आर ग्रोइंग, पौधे देखो बढ़ रहे हैं, प्लांट्स आर ग्रोइंग, कोई डूअर है? नहीं है। यानी कि ग्रो यहाँ पर दो काम करता है, हैपनिंग भी है, खुद हो रहा है, खुद कोई चीज़ बढ़ता जा रहा है, खुद ग्रो हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। और अगर कोई इसको ग्रो कर रहा है, कोई उगा रहा है, लगा रहा है, तो उसके अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों हो गया। एक है इंक्रीज। अब इंक्रीज में मैं कहता हूँ यार तुम ना मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो, यू आर नॉट इंक्रीजिंग माई सैलरी। तो सैलरी बढ़ाने वाले कौन? तुम हो गए। तो तुम क्या हो गए? डूअर हो गए, यानी कि डूइंग वर्ब हो गया। अब मैं बोलूँ यार देख भाई तो बढ़ता जा रहा है भाई, इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब कोई भी चीज़ खुद बढ़ रही है, मुझे नहीं पता कौन बढ़ा रहा है, मुझे बस इतना बोलना है कि देख भाई इसके दाम बढ़ रहे हैं भाई, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग, दैट इज़ इंक्रीजिंग। कोई डूअर है? नहीं है। वो जो चीज़ है वो खुद बढ़ रहा है, तो कोई डूअर नहीं है ना। मज़ेदार। जैसे कि चेंज। अगर मैं कहता हूँ यार तुमने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, तो मैं बोलूँगा कि यू हैव चेंज्ड योर बिहेवियर, यानी कि यहाँ पर चेंज करने वाले आप, तो आप एक डूअर है, यानी कि एक डूइंग वर्ब हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ यार हिज बिहेवियर चेंज्ड, कोई डूअर है? कोई चेंज करने वाला है? नहीं है। उसका बर्ताव चेंज हो गया। अब जिसको नहीं पता होगा कि चेंज दो तरीकों से काम में आएगा, वो क्या बोलेगा कि अच्छा हिज बिहेवियर गॉट चेंज्ड, वो गेट के चक्कर में फंसेगा। फंसना गलत नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि अर्गेटिव के फायदे क्या है। ओके जी, उसी तरीके से शेक है वर्ड। अब शेक के दो मतलब होते हैं। आप अगर हिलाते हो किसी चीज़ को, पेड़ को, पौधे को, बोतल को, तो शेक है। वो खुद पे खुद भी अगर हिल जाता है तो भी शेक है। ये दोनों काम करता है। तो अगर ऐसे मैं कहता हूँ कि प्लांट्स आर शेकिंग, तो पौधे खुद हिल रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि वाई आर यू शेकिंग द प्लांट्स, तुम क्यों हिला रहे हो भाई। वाई आर यू शेकिंग द बॉटल, तुम बॉटल क्यों हिला रहे हो। इट इज़ शेकिंग, ये खुद पर खुद हिल रहा है, खुद पे खुद हिल रहा है। समझ में आ रहा है? अर्गेटिव वर्ब क्या करते हैं? दो काम करते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। वो दोनों काम कौन से हैं? कि ये भैया हैपनिंग भी होते हैं और ये डूइंग भी होते हैं। अगर कोई डूअर कर रहा है तो ये डूइंग हो गए, और अपने आप हो रहा है तो हैपनिंग हो गया। ठीक है जी, चलिए और उठाएं। मेल्ट है। मेल्ट का मतलब क्या होता है? अगर आइसक्रीम अपने आप पिघल रही है, खुद पिघल रही है, कोई डूअर नहीं है, तो भी हम मेल्ट बोलेंगे कि आइसक्रीम इज मेल्टिंग। और अगर आप उसको पिघला रहे हो तब भी हम बोलेंगे यू आर मेल्टिंग द आइसक्रीम। है ना फायदा? चलिए अगला है ओपन। ओपन हो गया ना। इससे अगर मैं बोलूँ कि राम ने दरवाजा खोला, तो मैं क्या बोलूँगा कि राम ओपन्ड द डोर। लेकिन दरवाजा खुल गया, मुझे नहीं पता किसने खोला। अब क्या होगा भाई? द डोर ओपन्ड। आप आराम से बोल सकते, कोई नहीं रोकेगा आपको। नहीं पता तो लोग फिर बोलेंगे द डोर गॉट ओपन्ड और ये वो। ठीक है, जुगाड़ भी अच्छी बात है। उसके बाद आपका है टर्न। जैसे आप किसी चीज़ को टर्न करते हैं, लेकिन कोई चीज़ अपने आप भी टर्न हो जाती है। तो आपने बोला कि यू नो आई टर्न दिस, आई टर्न दैट, और आपको बोलना है कि इट टर्न, ये टर्न हो गया। अब नहीं पता तो फिर आप यहाँ पर गॉट लगाते हैं, इट गॉट टर्न, आप अपना काम बढ़ा लेते हैं, तो आप टर्न भी अर्गेटिव में आता है। जैसे कि है क्रैश, एरोप्लेन वगैरह, तो एरोप्लेन क्रैश हो गया, खुद हो गया, द एरोप्लेन क्रैश्ड, आप बोल सकते हैं। और अगर आपने क्रैश कर दिया तो मैं बोलूँगा कि यू क्रैश्ड योर कार। तो ये दोनों काम करते हैं। रिंग है। अब अगर आप बजाते हैं तब भी रिंग है, घंटी,
तो आपने बोला कि आई रैंग द बेल, मैंने घंटी बजाई, और अगर घंटी खुद बज जाए तो भी रिंग है, द बेल रैंग, द बेल इज रिंगिंग, घंटी बज रही, बज रही हैपनिंग है, अपने आप हो रहा है, कोई कोई डूअर नहीं, कोई कर नहीं रहा है। यानी कि ऐसे वर्ब्स ही होते हैं जो दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं, डूअर अगर कोई कर रहा है तब तो हम डूअर का नाम लेंगे, लेकिन अगर ये अपने आप हो रहा है, कोई चीज बज रहा है, कुछ टूट गया, अचानक दरवाजा खुल गया, खिड़की आपका खुल गया, तो क्या करेंगे आप? खिड़की को खिड़की बोलिए, खुलने का बस ओपन ही बोलिए, सेकंड फॉर्म बता दीजिए द विंडो ओपन, द बेल इज रिंगिंग, आपको पता है कोई डूअर नहीं है, तो आप फंस जाते हैं ना कि यार डूअर नहीं तो मैं क्या करूं, आप गॉट लगाकर फिर इसको एडजेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, यू नो। चलिए आगे क्या है, अगला है जैसे कि मूव, आप किसी चीज को मूव करते हैं, क्या आई मूव्ड इट, मैंने इसको मूव कर दिया, वो अपने आप भी मूव हो सकता है, इट मूव्ड, अब इसको नहीं पता बोलेगा इट गॉट मूव्ड, तो उससे बचने के लिए अर्गेटिव है। क्रैक तो मैंने बोली दिया है, स्टॉप, स्टॉप तो सबको पता है कि यार मैंने उसको रोक दिया, आई स्टॉप्ड इट या स्टॉप दैट पर्सन, कुछ भी, अगर खुद रुक गया इट स्टॉप्ड, दैट पर्सन स्टॉप्ड, खुद रुक गया, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ना जाने कितने वर्ड्स होंगे, तो आप इनका एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। मैं बस एक बता रहा था क्योंकि मैंने अर्गेटिव पे कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने बना दिया है, मैं फिर से जाते जाते समझा दूं कि हम ये सीखकर क्या ऐसा कर लेंगे, क्या फ़ायदा हो जाएगा अर्गेटिव सीख करके। यही फ़ायदा होगा कि हमें इतना पता चल जाएगा कि ये एक वर्ब है लेकिन ये दो काम कर रहा है। अगर कोई डूअर है तब तो हम इसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं, अगर डूअर नहीं अपने आप हो गया तो भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? हैपनिंग, ये दो काम करता है। तो चलिए आप एक लिस्ट निकालिए, मैं तो कहता हूँ कि कम से कम आपको 50 मिल जाए, तो हर वर्ड पर रिसर्च कीजिए, उसको बनाकर देखिए, उसके एग्जांपल्स ढूंढिए, इतना होमवर्क कीजिए, समझ में आ रहा है? चलिए थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, वीडियो को कीजिएगा लाइक, थैंक यू गाइस, थैंक यू।